वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक और नए व्लॉग में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और आज है रविवार, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बुधवार के दिन एक व्लॉग शुरू किया था हमने। तो ये जो जगह है आप देख रहे हैं ना, ये अपनी जगह है, ये रोड है, रोड के इस तरफ ये मंदिर है और मंदिर के बगल से एक दुकान टाइप की निकली हुई है जो कि शटर है, ऊपर टीन शेड है। यहाँ पर है गोयरा, मतलब कौन सी छिपकली बोलते हैं उसको, वो क्रोकोडाइल जैसा दिखता है यार, और देख लेना आप जो भी नाम हो, है ना। और बहुत सारे नाम हैं इसके। और देखो, एक गोय होती है, एक गोयरा होता है, मतलब एक मेल और फीमेल। जो फीमेल होती है ना वो साइज़ में बहुत बड़ी होती है और थोड़ी सुस्त होती है, और जो गोयरा होता है वो साइज़ में छोटा होता है और बहुत फुर्तीला होता है, जंप मारता है बहुत, 4-5 फीट की जंप मार लेता है और बहुत तेज़ दौड़ता है। तो ये वही है और ये बहुत बड़े साइज़ का है। तो भैया अब चूँकि अपने साधन रखे रहते हैं, किसी भी ट्रैक्टर में जेसीबी में फंस जाए, और इसके बारे में जो दंत कथाएँ हैं कि भाई इसका मतलब जो बहुत जहरीला होता है, लेकिन जो रेस्क्यू वाले टीम से उनसे बात किया, उन्होंने कहा ये साधारण छिपकली है, कोई डरने की बात नहीं है, इसलिए आप टेंशन मत लो। तो बुधवार के दिन उनको फ़ोन लगाया भाई साहब, तो वो अवेलेबल नहीं थे, उनके पास समय की कमी थी तो वो आ नहीं पाए, और मौसम भी नासाज था, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, तो वो टल गया प्रोग्राम, ठीक है। मैंने वीडियो भी शुरू करी थी कि मैं इनकी इसके बारे में ज़रूर आपको जानकारी दूंगा। तो आज फिर उनको फ़ोन लगाया तो आज भी वो नहीं आ पाए। तो उनका जो है साथ काम करने वाला एक बंदा वो आ रहा है, शानू नाम है भाई का, ठीक है। तो आज इसको रेस्क्यू करेंगे, इसकी चाबी हमने पहले से ले रखी है, ठीक है। यहाँ से देखो आप सामने, वहीं परमानेंट उसकी जगह है। और एक और चीज़, हमारे मुनीम साहब, सोनू नाम है इनका, इन्होंने कहा था कि भाई साहब ये बुधवार और इतवार के दिन जो है शिकार पर रहता है, मतलब ज़्यादा जंप मारता है, दाढ़ खुली रहती है वगैरह वगैरह, ख़तरनाक होता है। मैंने फिरोज भाई से पूछा तो कह लगे ऐसा कुछ नहीं होता है। अब इत्तेफाक की बात यह है, कोइंसिडेंस कह लो या जो भी कह लो, कि वो जो दिन था जब दिख रहा था तो वो बुधवार था। 3 दिन तक हमने देखा इसको कि आज बुलाएंगे फिरोज भाई को, आज बुलाएंगे, वो दिखाई नहीं। आज इतवार है, रविवार का दिन है, आज दिख रहा है वो। तो हमने मतलब सोनू की बात कहीं कुछ हद तक सही हो रही है या इत्तेफाक भी समझ लो। अब आप सामने देखो, ये है जगह, ठीक है। यहीं से अंदर जो है वो है, और अब भी जस्ट मैंने देखा, देखो मैं जूम करता हूँ शायद वो दिख जाए, है ना, ज़्यादा नज़दीक तो मैं नहीं जाऊँगा। ये जो कॉर्नर है ना, बिल्कुल इसी जगह पे है वो अंदर, ओके। तो इस कॉर्नर में वहाँ पे है वो अंदर की साइड हो गया है, और शटर की चाबी ले ली है। अब क्या क्या करना पड़ता है वो अपन देखते हैं, और शानू भाई का इंतज़ार करते हैं, वो भाई आएंगे, उसके बाद ही अपन कुछ करेंगे। फिलहाल मैं अपन दूर रहते हैं और नज़र बना के रखते हैं कि कहीं वो इधर उधर ना हो जाए। रिस्क इसलिए है क्योंकि दो आदमी अपने रात में भी रुकते हैं और दिन भर अपने 6-7 आदमी रहते हैं यहाँ पर। कभी कभी साधन यहाँ रोड पर, जैसे गाड़ी खड़ी कर दी है, जेसीबी यहाँ खड़ी हो जाती है, ट्रैक्टर खड़ा हो जाता है, तो अगर वो वाकई में ख़तरनाक है तो अपने लिए नुकसान हो सकता है। तो भैया फिरोज़ भाई तो नहीं आए, शानू भाई आए हैं, और देखो क्या क्या लाया हो शानू भाई, आइटम है ये पकड़ने के, चलो अपन देख लेंगे। तो चलो अब मैं दिखा देता हूँ वो जगह। आप कब से कर रहे हो फिरोज भाई के साथ काम? बहुत साल हो गए, मतलब एक्सपीरियंस्ड हो, बहुत बड़ा है यार ये, मैंने इतना बड़ा कभी देखा नहीं है। इसकी चाबी ले आना, बस बस यहीं पे ना, ये जो कॉर्नर है ना भाई साहब जी, ये कोनिया यहीं बैठता है वो, हाँ यहीं बैठता है, और अभी अंदर ही है वो, हाँ अंदर है इसकी चाबी, अब जो है वो बैठ जो, हाँ ये छेद दिख रहा है ना, हाँ ये यहीं बैठता है, यहीं देखता है जब भी देखे, हाँ अभी थोड़ी देर पहले ही था, हमने फोन लगाया था ना आपको, देख के लगाया था वो, नहीं इधर नहीं बैठता वो, वहीं बैठता है उसी कोने पे, और अपन ने पहले ही चाबी ले ली थी बुधवार के दिन ही। अच्छा शानू भाई, हम यूट्यूब के लिए व्लॉग शूट कर रहे हैं तो थोड़ी जानकारी देना। तो पिछले बुधवार को क्या हुआ, ये हमारे मुनीम साहब कहने लगे कि ये इतवार और बुधवार के दिन बहुत एक्टिव रहता है, मतलब ये क्या गलत है क्या, ये खतरनाक है? नहीं है, नहीं है, खतरा पहुंचा भी सकता, पर ये ना ये विषैला नहीं होता, जहरीला नहीं होता, जहरीला नहीं होता, नहीं होता। कहा था कि भाई साहब आज इतवार है वो, मतलब बुधवार के दिन, बीच में हमने नोटिस किया सोमवार मंगल को ये नहीं दिखा, नहीं नहीं, कुछ जहरीला नहीं होता। अच्छा तो भैया जैसे कि शानू भाई बता रहे हैं ये जहरीला नहीं होता है। खोलो भैया ताला खोलो। तो इसको अपन कहाँ छोड़ के आएंगे सुरक्षित जगह पे? जंगल में छोड़ देंगे।
नहीं दिखा रहा हूँ। नशे नहीं कुछ लेके आना। हाँ हम यहीं खड़े हैं इसलिए हम खुद अंदर नहीं गए। पीछे की साइड ओपन जगह है यार, वो कहीं नहीं जाए। हम मतलब हफ्ते भर से देख रहे हैं उसको। देखो सोनू ने जूता खा के पहने है, इतना डर। देखो ये इतवार वाला भैया देख लो। दिख रहा है वो कहीं नहीं जाता, इसी में है 100%। हम ना मतलब दिखा था ना तो हम अंदर गए ही नहीं, यहीं खड़े खड़े उसको देख रहे हैं। हाँ तो भैया भैया बता रहे हैं कि अंदर ही है, कहीं नहीं गया है। इसके अंदर से नहीं है कुछ गुंजाइश? इधर से तो पैक है यार पूरा, बिल्कुल पैक है। इधर अंदर आने की तो व्यवस्था है ही नहीं। इधर ये इधर अंदर पोल है, यहाँ से लेके वहाँ तक गैप है, तो वो इसके अंदर ही है। बैठा है कितने अंदर बैठा है भैया? 2-3 फीट की दूरी पे है। हाँ पकड़ना पकड़ना, पकड़ो। तो इसे क्या रास्ता बंद कर दिया है? तो भैया ये बोरी फंसा के भैया ने रास्ता बंद कर दिया है। अरे मशीन ले आते ना, 2 मिनट लगेंगे यार, मशीन ले आओ। तो भैया ऊपर चढ़ने की व्यवस्था देख रहे हैं, इधर से तो बोरी लगा के पैक कर दिया है, कहीं जा नहीं पाए। अगर रास्ता मिल गया ऊपर चढ़ने का तो ठीक है, नहीं तो फिर JCB लगा के ऊपर चढ़ेंगे। अभी ऊपर से देखने गए व्यवस्था हो, यहाँ से तो रास्ता बंद कर दिया, वो भग नहीं पाएगा। तो भैया उस तरफ से चढ़ने की व्यवस्था नहीं है, मशीन ही ला रहे हैं। अरे यार साइलेंसर अड़ रहा है यार। बूम नीचे करो बूम। पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ लिया भैया, पकड़ लिया। बड़ा है यार ये तो। अरे भैया गोए गोए रहा है। फीमेल वर्जन मॉनिटर लिजार्ड बोलते हैं भैया, मैं नाम भूल गया था। देखो बंगाली प्रजाति का। हेलो डॉक्टर।
बंगाली प्रजाति का मॉनिटर लिजार्ड बता रहे हैं ये। अब बताओ भैया ये मतलब किस तरह का प्राणी है और क्या ये खतरनाक है? ये मॉनिटर लिजार्ड की प्रजाति है। हाँ, ये कहीं भी आ जा सकती है। अच्छा, तो मतलब मेल है फीमेल है? ये मेल है। मेल है? हाँ। तो मतलब जैसे कि दंत फीमेल है, फीमेल है, फीमेल है। हाँ। जैसे कि दंत कथाएं हैं कि ये खतरनाक होता है, ये गलत अखबार है। अच्छा, तो अगर ये किसी के मतलब आसपास चला जाए तो किस तरह का खतरा पहुंचा सकता है लोगों को? भाग जाता है, देख के आदमी भाग जाता है। हाँ, ये भाग जाता है, छुपने की जगह देखता है। अच्छा अच्छा, इसीलिए इस जगह पे फंसा हुआ था। हाँ। चलो अब अपना इसको कहाँ छोड़ने जाएंगे? जंगल में छोड़ देंगे, दूर छोड़ना लेकिन, है ना। चलो ठीक है, फिर ले चलते हैं इसको। रस्सी ले आओ बांधने के लिए। बैटरी रख लो भैया अपनी, शटर लगा दो, ताला लगा दो उसमें। तो इस बोरी के अंदर बंद कर लिया है भैया। मॉनिटर लिजार्ड बोलते हैं इसको, बंगाली प्रजाति का है ये, बंगाली मॉनिटर लिजार्ड। अपन कहाँ लेके चल रहे हैं इसको छोड़ने के लिए? हाँ चलो ठीक है, हम भी साथ चलते हैं। चले हमारा संग। तो भैया इसको छोड़ने के लिए जंगल में जा रहे हैं। स्कूटी पे चढ़ जाओ, आजा बैठो। तो भैया आगे आगे जा रहे हैं शानू भाई, पीछे हम जा रहे हैं। ये इसके लिए सुरक्षित जगह है। तो ये पानी में भी तैर लेता है क्या भैया? भागेगा तो नहीं? भागेगा कोई, वो तो बहुत तेजी से कहीं ना आ जाए। फ्रेंड हाँ छोड़ दो। अरे भाग गया वो, जा रहा सीधा पानी में कूद गया है। वो है इधर, बहुत तेज भगी यार ये तो, बहुत तेज जान बचा के भगते हैं और का। तो भैया ये वीडियो यहाँ तक लाने का ये मकसद था, जैसे कि इसको रेस्क्यू किया तो किसी भी तरह का उस प्राणी को नुकसान नहीं पहुँचाया, वहाँ से पकड़ के रहवासी इलाका था और यहाँ नदी किनारे छोड़ दिया, वो पानी में से कूद के उस पार भी चला गया। हाँ। तो मतलब सिंपल कहने का मतलब ये है कि अपन ने उसके जीवन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी, उसको पकड़ के ला के और सुरक्षित और अच्छी जगह पे अच्छे वातावरण में छोड़ दिया है। यहाँ पे उसको खाने पीने को भी मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा के लिए, है ना। तो जितना अपन डर रहे थे इंसानों से खतरा भी नहीं रहेगा। हाँ देखो, तो वहाँ पे अगर इंसान के आसपास रहती तो प्रॉब्लम होती है, उसको कोई मार देता, कुछ हो जाता है ना। तो यहाँ पे वो पूरी तरह से सुरक्षित है। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और हम शानू भाई को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के उसको बचाया। अब बैठ गए प्रमोद भाई बगाड़ी पे, जब नहीं बैठे जब गोई संग गई थी। काफी अच्छा रेस्क्यू था उन्होंने, बड़ी